नमो नारायण मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों का नाम इंग्लिश अल्फाबेट के यू अक्षर से शुरू होता है, जैसे कि उमेश, उमा, उषा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नाम इंग्लिश अल्फाबेट के यू अक्षर से शुरू होता है। तो उन लोगों का आने वाला समय यानी कि साल 2021 कैसा बीतेगा? मित्रों, इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका है, जिस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे जय बजरंगबली कमेंट कर दें। मित्रों, साल 2021 में यू नाम वाले लोगों का समय, उनका भाग्य, उनका बहुत ज़्यादा साथ देगा, क्योंकि साल 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। साल 2021 में आपके भाग्य का साथ, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आने वाले समय के दौरान आपके भाग्य में शनि भाग्य स्थान पर विराजित हैं। शनि के भाग्य स्थान में होने के कारण साल 2021 में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मित्रों, आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक साल 2021 में विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो इस कार्य में भगवान शनि देव आपकी सहायता बहुत ज़्यादा करेंगे। मित्रों, आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक बहुत लंबे समय से नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कारण से आप नए काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, तो साल 2021 में भगवान शनि देव के कारण नए काम की शुरुआत आप कर पाएंगे। नए काम को शुरू करने में भगवान शनि का साथ, शनि का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। साल 2021 से पहले अगर आप कहते थे कि आपका समय, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो साल 2021 में ऐसा कुछ कहने का मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप किसी भी काम को करने में अपना 50% योगदान देते हैं, तो बाकी का 50% आपका समय, आपका भाग्य उसे पूरा कर देगा। लेकिन आने वाले समय के दौरान अगर आप सब कुछ को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, तो फिर आने वाले समय के दौरान परेशानी का सामना आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक कहावत है कि भाग्य बहादुर का ही साथ देता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य, आपका समय आपका साथ नहीं देगा। मित्रों, साल 2021 का शुरुआती 3 महीना यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन 3 महीनों के दौरान पैसे कमाने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप में से जो भी लोग इन 3 महीनों के दौरान धन संपत्ति का निवेश करते हैं,
तो उस निवेश के कारण साल 2021 में पैसे कमाने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आने वाले समय के दौरान आपके कामकाज में, आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा फंडिंग प्राप्त होगा। इस फंडिंग के कारण धन संपत्ति के मामलों में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। मित्रों, साल 2021 में अगर आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। मित्रों, साल 2021 में अपने घर परिवार के मामलों में, अपने पारिवारिक जीवन में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना होगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने पारिवारिक जीवन में कोई भी लापरवाही करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके घर का माहौल, आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो अपने पारिवारिक जीवन में सभी लोगों के साथ अपने संबंध को आपको मजबूत करना होगा। मित्रों, साल 2021 से पहले अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, साल 2021 से पहले अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा कलेश था, बहुत ज़्यादा परेशानी था, तो साल 2021 में उस कलेश को, उस परेशानी को दूर करने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आने वाले समय के दौरान आपके जीवन साथी का साथ, आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मित्रों, साल 2021 में अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या हो, तो उस परेशानी को आपको खुद ही खत्म करना होगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी बाहरी इंसान इंटरफेयर करता है, दखल अंदाजी करता है, तो यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। इस बात को आपको याद रखना होगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान संभावना है कि आपके घर परिवार के लोगों के कारण आपके जीवन साथी के साथ आपका बहस होगा, आपके परिवार के लोगों के कारण आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा खराब होगा, लेकिन ऐसा कुछ करने से आपको बचना होगा, क्योंकि साल 2021 में अगर आप अपने घर परिवार वालों के कारण अपने दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं तो यह आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। मित्रों, साल 2021 में संभावना है कि आप में से बहुत से जातक, बहुत से दर्शक नए वाहन को खरीदेंगे। साल 2021 के अंत तक आपके दरवाजे पर चार पहिया वाहन या दो पहिया वाहन अवश्य होगा, क्योंकि साल 2021 में वाहन के मामलों में आपका भाग्य आपका साथ बहुत ज़्यादा देगा। मित्रों, साल 2021 में अगर आपके घर, आपके मकान की बात करें तो आने वाले समय के दौरान घर और मकान से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। आप में से बहुत से दर्शक, बहुत से जातक साल 2021 में घर यानी कि मकान खरीदने वाले हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप साल 2021 में घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीदने के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, एक मशवरा दूंगा। उस मशवरे पर आपको ध्यान देना होगा। आने वाले समय के दौरान यदि संभव हो
तो साल 2021 में आप खुद से प्लॉट खरीद कर, खुद से जमीन खरीद कर उस जमीन पर घर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके घर, आपके मकान के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपकी उन्नति बहुत ज़्यादा होगी। मित्रों, साल 2021 में अगर आपके पढ़ाई लिखाई की बात करें, अगर आपके शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार है। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे मेहनत, ईमानदारी और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई में भगवान शनि देव का साथ, उनका सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मित्रों, आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक साल 2021 में सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आने वाले समय के दौरान संभावना है कि साल 2021 में आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। लेकिन सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप मेहनत करते हैं तो भगवान शनि देव के कारण सरकारी नौकरी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। मित्रों, साल 2021 में अगर आप पढ़ाई लिखाई के कारण अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं, तो साल 2021 में इस काम को करने में आपका समय, आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। आने वाले समय के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने घर वालों का, अपने गांव वालों का, अपने शहर वालों का, अपने जिले के लोगों का, अपने राज्य के लोगों का, अपने देश के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ करने के लिए आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना होगा। मित्रों, साल 2021 में अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। मित्रों, साल 2021 में जो भी लोग पिछले काफ़ी समय से अकेले थे तो उनको साथी प्राप्त होगा। आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो साल 2021 में प्रेम विवाह तो आप कर पाएंगे, लेकिन आपके प्रेम विवाह में परेशानी का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान संभावना है कि किसी छोटी मोटी बात को लेकर पूरे वर्ष भर, यानी कि साल 2021 में लगभग आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका नोक झोंक होगा, आपका बहस होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर आप दोनों में नोक झोंक हमेशा होता रहेगा। मित्रों, साल 2021 में अगर आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या हो तो उस परेशानी को आपको खुद ही खत्म करना होगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आपके प्रेम संबंध में कोई भी बाहरी इंसान इंटरफेयर करता है, दखल अंदाजी करता है, तो यह आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है।
मित्रों, साल 2021 में अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको करना क्या है कि नियमित रूप से गौ माता की सेवा करनी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।